एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत दे मालक श्री पद्म कुमार जैन पिछले दिनी अपने श्वासां दी पूंजी नू खर्च दे हुए परमात्मा दे चरणा विच जा बिराजे। उना दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उना दे समूह परिवार वल्लों जिना विच मिसिस मोनिका जैन, संजय जैन, नवल जैन, अंजू जैन, सोनिया जैन, रजनेश जैन, अंशुल जैन, रमेश जैन, नव्य जैन, काव्य जैन, मतरेश जैन, अक्षित जैन, उज्जवल जैन, अरहम जैन अते उना दे समूह परिवार वल्लों लोक पद्मा हाल SAN जैन स्कूल द्रेसी विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच संगता ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख सांझा कीता। श्री पद्म कुमार जैन जी दा जन्म पिता श्री निवास जैन जी दे घर माता श्रीमती सत्यवती जैन जी दी कुखों शंकर जलंधर विखे सन 1944 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगट सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। अपनी पढ़ाई पूरी करन उपरंत आप जी ने अपने पिता पुरखी किते प्रॉपर्टी दे बिजनेस नू अपनाया। इस काम विच आप जी ने खूब मेहनत कीती अते खूब नामना खटिया। उपरंत आप जी शंकर तो लुधियाना आण वसे अते इत्थे आण के भी आप जी ने प्रॉपर्टी दा काम ही कीता। आप जी दा व्याह श्रीमती मंजुला जैन जी हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नू बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटियां मोनिका जैन, सोनिया जैन अते अंशुल जैन अते बेटे नवल जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नू खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दियां बेटियां आपो अपने सहुरे घरी सुखी व्योहता जीवन बतीत कर रही हन अते आप जी दे बेटे नवल जैन जी अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उना दे नाम नू चार चांद लगा रहे हन। श्री पद्म कुमार जैन जी बहुत ही ईमानदार अते उच्ची सोच दे मालिक सन। परमात्मा दे घर प्रति आप जी सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी समाज विच विचरण वाले इंसान सन अते आप जी अपने समाज खंडेरवाल समाज दे लुधियाणा दे प्रधान दे अहुदे ते वी रहे। मौजूदा समय विच श्री पद्म कुमार जैन जी दी फुलवाड़ी नव्य जैन, काव्य जैन, मतरेश जैन, अक्षित जैन, उज्जवल जैन अते अरहम जैन नाल महक रही है। Shiromani Shri Sai.
संघ लुधियाना के समृद्ध परिवार में से एक सुश्रावक श्री पदम कुमार जी खंडेलवाल, सुपुत्र श्री श्रीनिवास जी जैन शंकर वाले, उनके शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पधारे हैं। परसों रात्रि को भी मेरे प्रिय मित्र आशुजी से बात हुई और कल सुबह जब एक हृदय विदारक समाचार सुना कि अंकल जी हमारे श्री पदम कुमार जी लगभग 78 वर्ष की आयु के अंदर इस संसार से रुखसत कर रहे हैं तो बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले भी उनको थोड़ी सी एक दिक्कत, जब श्री खंडेलवाल संघ का कीर्तन होता था मासिक, तो वहाँ पर एक चक्कर आया तो वो गिर गए। उसके बाद परिवार ने सेवा शुश्रूषा की, हॉस्पिटलाइज भी रहे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। केवल प्रोस्टेट की छोटी सी प्रॉब्लम, बच्चों ने बहुत सेवा की और नवल भाई जी ने जैसे बताया कि सुबह पापा बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मैंने और माता जी ने उनकी सेवा शुश्रूषा की, जो स्पंजी करनी थी की, और उनको मैं कुर्सी के ऊपर बिठा कर माता जी को बोल के आया, आप इनको कुछ खिलाएं, मैं अभी तैयार होकर वापिस आता हूँ। और जब नवल जी वापिस आए और उन्होंने पिताजी को बेड पर शिफ्ट किया, तो उसी समय उस आत्मा ने नवल जी के अपने सुपुत्र की गोदी में अपने प्राण त्याग दिए। तो कहने का तात्पर्य कि कोई दुख ना दिया ज्यादा, ना दुख ज्यादा दिया। तो ऐसे व्यक्ति के धनी कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं जिनको किसी भी तरह का ज्यादा कष्ट अपने अंतिम समय में ना आए, क्योंकि ये उनके साथ ही होता है जिन्होंने जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हों। केवल 78 वर्ष की आयु और अंकल जी का चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सदा आंखों के सामने आ जाता है। बहुत कम बोलना, लेकिन जो भी बोलना सटीक बोलना और स्पष्ट बोलना। समाज के प्रति उनके मन में इतनी पीड़ा कि मेरा समाज ऐसा करे, मेरा समाज ऐसा होना चाहिए। कितने कितने वर्षों तक उन्होंने समाज में अग्रणी रहकर अपनी सेवाएं समाज को ज्ञापित की, और अभी भी वो श्री खंडेलवाल जैन संघ के प्रधान पद पर सुशोभित हैं। अंकल जी के बारे में इतना कहूंगा कि जब वो सुंदर नगर में थे तो उनकी नित्य नियम था, रूटीन थी कि वो पूरे टाइम 9 बजे अपनी दुकान खोलकर अपना ड्यूटी पर आ जाते थे। कर्मठ, सदा ही नीचे से जमीन से उठकर ऊपर को आने वाले ऐसे परिवार समाज में बहुत कम है जिन्होंने हर तरह का समय देखा है। शंकर के अंदर जब वो रहते थे तो वहाँ प्रॉपर्टी का काम था और यहाँ पर आकर एक अच्छा व्यवसाय पुत्र के सहयोग से उन्होंने शुरू किया, और आज वो परिवार को छोड़कर चाहे चले गए हैं, लेकिन आज सारा का सारा परिवार उनके मार्गदर्शन को, उनके आशीर्वाद को और उनके सानिध्य को शायद आगे ना पा पाए। लेकिन ये तो होनी है, जो आया है उसको जाना ही जाना है। व्यक्ति कैसे कर्म करके जाता है ये देखने वाली बात होती है, और अंकल जी ने बहुत
अच्छे कर्म किए, लगभग लगभग हर तीर्थ की यात्रा उन्होंने की, चाहे वो श्री शत्रुंजय महातीर्थ हो, चाहे वो श्री गिरनाथ जी हो, चाहे श्री सफेद शिखर जी हो, चाहे श्री नागोड़ा जी हो, श्री केसरिया जी हो, हर तरह के तीर्थों की, हर क्षेत्र के तीर्थों की स्पर्शना करने का उन्हें लाभ मिला, क्योंकि उनके संस्कार भी उनके पिताजी माताजी से जो ग्रहण करके आए थे वही संस्कार आज उन्होंने अपने बच्चों में दिए हैं। अपने पीछे वो अपनी पत्नी श्रीमती मंजुला जी को छोड़कर चले गए हैं। जीवन के इस दौर के अंदर, इस आयु के अंदर, इस पड़ाव के अंदर जीवन साथी का चला जाना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि एक वो साथी ऐसा होता है जिससे वो हर दिन की बात कर सकते हैं। लेकिन आज शायद श्रीमती मंजुला जी को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, परिवार को तो हुआ ही हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर वज्रपात हुआ है तो श्रीमती मंजुला जी, और वो भी ऐसी धर्मपरायणा औरत, ऐसी धर्मपरायणा स्त्री है कि जब वो सुंदरनगर रहते थे तो मेरे को आज भी याद है कि नित्य नियम था उनका कि सुबह 7 बजे स्नात्र पूजा मंडल के साथ स्नात्र पूजा करवानी है। कोई कार्य तो हो सकता है जाए, लेकिन श्री शांतिनाथ दादा के दर्शन के बिना मैंने कोई भी जीवन का अगला कदम आगे नहीं बढ़ाना है। उनकी एक वो प्रकृति थी और सुबह रोज स्नात्र पूजा करवाना, किसी भी तप का आयोजन होना तो श्रीमती मंजुला जी हमारे सबसे आगे रहते थे। और आज उस साथी का छोड़कर चले जाना उनके लिए बहुत दुखदायी है, लेकिन वो एक धर्मपरायणा स्त्री है, उनको पता है कि जिसका आयुष्य कर्म संपन्न हो गया, पूरा हो गया, उसको तो जाना ही जाना है। तो आपको जिस तरह से आपने आज तक धर्म का दामन थामा हुआ है, आपने आगे भी उसी धर्म पथ पर अग्रसर होना है, क्योंकि जिन शासन के अंदर कहते हैं कि किसी जाने वाले की लिए आंसू नहीं बहाना, इससे भी कर्मों का बंधन होता है। याद अवश्य आएगी, नवल जी को भी आएगी, क्योंकि उन्होंने भी आज अपने पिता को खो दिया है, और जीवन के अंदर ना माँ द्वारा मिलती है ना बाप मिलता है। माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, तो पिता जैसा मार्गदर्शन कोई नहीं दे सकता। ये बाद में पता चलता है कि हमारे बुजुर्ग जब हमारे पास होते हैं तो उनका क्या महत्व होता है। तो आज नवल भैया भी उस मार्गदर्शन से, उस स्नेह से, उस वात्सल्य से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनके जीवन के अंदर भी शून्य पैदा हो गया है। लेकिन कहना चाहूँगा कि आपने, आपके पूरे परिवार ने, नवल जी ने, हमारी अपनी बहन ने, पोत्रियों ने, सबने, परिवार ने बहुत बहुत सेवा की, लेकिन वो इतना ही आयुष्य कर्म लिखवा कर आए थे। आपको तो ये सिर्फ सोचना है कि पिताजी बहुत अच्छा जीवन जी कर गए हैं, उनके संस्कारों को आगे भी आपको कैसे पल्लवित कराए रखना है ये अब आपको देखना है। जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है ये सोचना है, और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। और अपनी माता जी का विशेष रूप से, पिताजी नहीं रहे, माता जी का ध्यान इतना रखना कि उनको पिताजी की कभी भी कमी महसूस ना होने पाए। मेरे को जैसे बताया कि छोटी छोटी पोत्री काव्या के साथ तो अपने दादाजी का इतना स्नेह था, इतना स्नेह था कि उसको देखकर उसको बिना गले लगाए उनका दिन शुरू नहीं होता था। तो आज दोनों बच्चे काव्या और नव्या, दोनों पोत्रियां भी अपने उस दादू के प्यार से वंचित हो गई हैं। शायद
दादू और दादी जैसा प्रेम वात्सल्य कोई भी नहीं दे सकता। आज नव्या और काव्या दोनों पोत्रियां भी इसी प्यार से वंचित हो गई हैं। हमारे श्री पदम कुमार जी के सुपुत्र नवा जी और इनकी तीन सुपुत्रियां श्रीमती मोना जी, श्रीमती सोनिया जी और श्रीमती अंशु जी सभी अपने माता पिता के संस्कारों को अपने ससुराल में भी ऐसे सिंचित कर रही हैं। ये माता पिता के संस्कार ही होते हैं जो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वज्रपात इन तीनों बेटियों पर भी हुआ है। आज उनके पिताजी नहीं रहे, उनको भी बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन अपने पिताजी के अच्छे कार्यों को, संस्कारों को सदा याद करते हुए आपने हमेशा उनको यहाँ भी गौरवान्वित किया है, तो आगे भी आपने उनके मार्गदर्शन, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाए रखना है, मेरी यही कामना और भावना है। श्री पदम कुमार जी भिन्न भिन्न संस्थाओं से, जैसे मैंने पहले बताया, जुड़े हुए थे, तो आज सबसे पहले हमारे समाज की सबसे बड़ी संस्था श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी बाब, क्योंकि उनका भी इस परिवार के साथ गहरा नाता है, पारिवारिक रिश्ता है, तो आज इस दुख की घड़ी के अंदर वो भी अपने सांत्वना संदेश देना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा श्री नरेंद्र जी बाब अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन महासभा। कल का दिन कन्हैया बल समाज के और सब परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक है। जब देखते ही देखते अपने इस पुत्र की बाहों में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करते हुए, अपने आयुष कर्म को समर्पण करते हुए इस संसार से सदा सदा के परम आदरणीय श्री पदम कुमार जी, जो कि शंकर के सुप्रसिद्ध परिवार परम आदरणीय श्री श्रीनिवासी के पुत्र थे, तीन भाई और दो बहनों का विशाल परिवार, जिन्होंने बाद में लुधियाना को अपना कलम स्थल बनाया और यहां पर आके अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया। जैसे कि भाई दिलीप जी ने बताया कि ये परिवार बहुत ही समृद्ध परिवार और शंकर का सुप्रसिद्ध परिवार, कन्हैयालाल जो कि बहुत ही विशाल समूह है, गोत्र है, वो उस गोत्र के प्रधान पद पर अपनी सेवा के लिए थे। बाबू जी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार, सबको अपना बनाने वाला, सबसे प्रेम करने वाले, कम बोलने वाले, एक मुस्कुराहट में ही अपनी सारी बात को बयान कर देते थे। सुंदर धर्म में वो काफी समय से और श्री शांति नाथ जैन मंदिर प्रभु दर्शन का लाभ जब तक वो नहीं देते थे तब तक वो अपनी दिनचर्या शुरू नहीं करते थे। यही संस्कार उन्होंने अपने तीनों बेटियों को, बेटी नवजी ने,
अध्यक्ष रूप से मेरा संबंध हो इस पर आपके संतप बना। जब परम आदरणीय श्री पदम मां जी की सुपुत्री बेटी नव्या और नवद जी भाभी अंजुल की बेटी हमारे ही संबंधी परिवार परम आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्र जी के सुपुत्र श्री शैली जैन जी की पुत्र वधु बनने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मेरी बेटी भी इसी परिवार के आंगन की शोभा है, तो प्रत्यक्ष रूप से तब मिलने का सौभाग्य मिला कि किस प्रकार बाबूजी अपने जीवन में धर्म को साथ कितना लगाव रखते हैं, कितना उन्हें धर्म ही अपने जीवन को बनाया हुआ है, किस प्रकार धर्म के कार्य करने में उनकी हमेशा रुचि रहती है। इसी के साथ साथ वो कंडेलवाल संघ के प्रधान होने के नाते किस प्रकार उन्होंने अपने कंडेलवाल संघ में अपने अनन्य अनन्य सेवाएं दी, ये किसी से भूला हुआ नहीं है। तीनों बेटियां मोना जी, संजय जी, सोनिया, रजनीश जी, अंशु, रमेश जी, तीनों बेटियां और दर्द पुत्र बहुत ही संस्कारी परिवार, वो वहां जाके भी उन्होंने अपने परिवारों में अपने माता पिता की शोभा को बढ़ाया है और अपने परिवारों में जो माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार हैं उनको बढ़ाते हुए अपने परिवारों में भी ये संस्कार भी बीजा उत्पन्न किया है। भाई नवा जी जो कि बहुत ही सरल साधारण बात करते हैं, कभी किसी से कोई राग द्वेष वाली बात नहीं है, हमेशा ही सबको अपना मानने वाले, सबसे प्रेम करने वाले, चाहे प्रत्यक्ष रूप में वो समाज के साथ आगे नहीं आते हैं लेकिन प्रोक्ष रूप से फिर भी वो समाज के साथ जुड़कर अपनी अनन्य अनन्य सेवाएं देती है। मुझे ध्यान है जो लवर जी कहने लगे, आज मैं जो कुछ भी हूं मैं अपने गुरुदेव शांति दो तीर्थ गौरव कल्याण गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री नित्यानंद सुरेश महाराज साहब की मेरे पे अपार कृपा है। आज मैं जिस देव पर भी हूं ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, गुरुदेव ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। किस प्रकार मन में गुरु के प्रति आदर सम्मान प्रेम है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ समय पहले यहां पर ही खंडेलवाल इसी जगह पर खंडेलवाल समाज का मासिक संकीर्तन था, तो वहां खड़े खड़े ही बाबू जी को अचानक चक्कर आया, वो गिर गए, उसी समय अस्पताल में ले जाया गया, उपचार किया गया। परिवार ने भाई नवा जी ने भाभी अंजु ने पोत्रियों ने बहुत ही सेवा, क्योंकि माता जी का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने जीवन साथी को इस दुख से उबारना है, लेकिन इसके साथ साथ जब परिवार भी इस दुख में शामिल होकर सेवा भावना करता है तब पक्के तौर पर ही परमात्मा की कृपा होती है और वो अपने आशीर्वाद से परिवार को पदम जी को उन्होंने ठीक किया, उनको दुख से उबारा और वो ठीक होकर बड़ी बांधी का है। मैं अभी उनको एक बार घर देखने गया, मेरा आना जाना, उन्होंने एक ही बात, बेटा ये तो कर्मों की बात है, कोई अंतराय कर्म होंगे इससे हम मुझे ये कष्ट आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं मैं इससे जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और
कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अपने कार्य को संभाल लेना चाहूंगा। कल भी जब वो सुबह उठे तंदुरुस्त थे और उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया करने के बाद जैसे ही दादा जी तैयार होकर फिर बाबू जी का तो बिठा देना है तुम बैठ जाओ, जैसे उनको बिठाया बेड के ऊपर तुरंत ही उन्होंने अपना सिर इनके हाथों में छोड़कर इस नश्वर संसार को चले। कितने सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे सपुत्र और कितने सौभाग्यशाली हमारे बाबूजी श्री पद्मी से जिन्होंने अपने बेटे के हाथों में बेटे के कंधे पर अपना सिर रखकर इस नश्वर संसार से चलना तो सभी को है, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है उसका जाना अवश्य है, लेकिन इस संसार में रहते हुए जो धर्म के प्रति अपना दबाव रखते हैं, जो धर्म के प्रति कार्य करते हैं और बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं उनको मृत्यु भी ऐसी मिलती है। ठीक उसी प्रकार पर बाबूजी ने भी देखते ही देखते अपने पुत्र की बाहों में इस नश्वर संसार को त्याग कर चले थे। मैं ज्यादा ना कहता हूँ, समय की मर्यादा पे ध्यान में रहते हुए जिन जिन संस्थाओं से जुड़ा हूं उनमें से मुख्य है श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत, हमारे संरक्षक श्री राजकुमार जी जैन गोस्वा टेक्निकल फरीदाबाद, श्री सुरेंद्र मोहन जी जैन जीरावले, श्री विनोद कुमार जी जैन जैनसंस, श्री पवन कुमार जी जैन जम्मू, श्री एम एस जैन चेन्नई अध्यक्ष होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए, महामंत्री नवनीत जैन, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राहुल जैन, समस्त कार्यकारिणी एवं श्री आत्मानंद जैन पांच पौत्री वाले के साथ जुड़े हुए जितने भी संघ जिनका कार्य क्षेत्र जम्मू से लेकर आगे तक है, उन सभी श्री आत्मानंद जैन सभाओं की तरफ से सामूहिक रूप से इसके साथ साथ हमारे उत्तरी भारत में निर्माणाधीन एक ऐतिहासिक तीर्थ जो कि यहाँ पर बन रहा है श्री आत्मवल्लभ जैन सतमंगल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, प्रधान श्री सुंदर मोहन जी, महामंत्री श्री विनोद जैन जी जैनसंस, फ्रांस सेक्रेटरी श्री राहुल जैन एवं समस्त ट्रस्टियों की ओर से चारों समुदाय की विशाल संस्था भगवान महावली वंशधनी उनके प्रधान श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, महामंत्री श्री विनोद जैन जी जैनसंस, फ्रांस सेक्रेटरी श्री राहुल जैन सी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से भावलेनी समाज श्री बाबा का तीर्थ बेटी लुधियाना संघ के प्रधान श्री निर्मल जैन बेबी भर्ती वाले जनरल सेक्रेटरी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राजन जैन जी और सत्र श्री इंद्रजीत जी, श्री कपूर जैन जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से और जिन 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 संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ एक एक संस्था का नाम ना लेते हुए सामूहिक रूप से उन सभी संस्थाओं की ओर से उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ श्रद्धांजलि भावांजलि नेत्रांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वह पुण्य आत्मा जहाँ भी हो उसे अपने चरणों में स्थान। धर्मनिष्ठ श्रीमती मंजुला जैन, श्री प्रदोपन जैन, श्री कुलदीप जैन, नमन भैया एवं समस्त खंडेलवाल परिवार, योग्य धर्मला धर्मनिष्ठ गुरुभक्त श्री पदम कुमार जी के आकस्मिक निधन के समाचार जानकर खेद होना स्वाभाविक है। वह अत्यंत सरल विनम्र भद्र परनामी गुरुभक्त थे। लुधियाना के उदारवाला अग्रणी परिवार के रूप में आपके परिवार ने संघ समाज के हर कार्य में सदा सक्रिय भूमिका अदा की है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा निष्ठा का
सदस्य आपके परिवार में उपस्थित किया है। आपने घर परिवार और स्वास्थ्य की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघ समाज की सेवा का व्रत निभाया है। खंडेलवाल संघ के वर्षों वर्षों तक प्रधान पद पर रहकर आपने अपनी सूझबूझ और निष्ठा से बहुत सारे विकास के कार्य संपादित करवाए हैं। पूरे परिवार को आधार देकर आपने सभी को संभाला है। बड़े भाई होने के नाते आपने अपने दायित्व का बखूबी पालन किया है, किंतु बदन कुमार जी के आकस्मिक निधन से परिवार पर वज्रपात हुआ है। वह असहाय पीड़ा से भी आपको शांति तथा धैर्य बनाए रखना होगा। व्यक्ति सोचता है कुछ है और होता कुछ है। आयुष्य कर्म पूर्ण होते ही व्यक्ति सदा के लिए विदा ले जाता है। यह जीवन तो पानी का बुलबुला है, सभी संबंध क्षणिक तथा नाशवान है। व्यक्ति चला जाता है, समृद्धियां रह जाती है। शासन देव उनकी आत्मा को शांति व सदगति प्रदान करे। धर्म आदि कार्यों में विशेष उद्यम बनाए रखे। विजय नित्यानंद सूरी का धर्म बुला। इसी तरह से शिरोमणि श्री संघ लुधियाना के अंदर विराजित साथी संपष्टी जी महाराज साहब के सुशिष्य साथी चंद्र जैसा जी श्री जी महाराज साहब, साथी पुनीत जैसा जी श्री जी महाराज साहब, अम्बाला में विराजित साथी जसवंत श्री जी महाराज साहब के सुशिष्य साथी प्रगना श्री जी महाराज साहब आदि थाना चार, फरीदाबाद में विराजित साथी प्रमोद श्री जी रंजन श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहब के सुशिष्य साथी पिता के प्रीति रत्ना जी महाराज साहब आदि थाना तीन, और पटियाला में विराजित साथी रंजन श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याओं साथी यशोपंद्रा जी महाराज साहब आदि थाना दो की शोक संदेश आया है। परिवार के साथ गहरी संवेदना प्रकट करते हुए सभी गुरुदेवों ने परिवार को एक बात कही है कि जिस तरह इस परिवार ने पहले भी धर्म कार्यों में रत रहते हुए समाज का और परिवार का नाम रोशन किया है, आप अपने संस्कारों को और पुलकित पलवित करते रहे। यही हमारी श्री पदम कुमार जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक नाम मैं भूल गया, मिछानुग्रह सूरत के अंदर विराजित भोले बाबा आचार्य भगवत श्रीमद विजय जयानंद विश्व जी महाराज साहिब आदि थाना पांच का भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। उनकी ओर से भी परिवार को हार्दिक संवेदना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि परिवार सदा सदा धर्म के बारे में आगे रहता है, और खंडेलवाल संघ को भी आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनका एक पिता तुल्य परिवार ने तो अपना पिता खोया ही खोया, लेकिन आज खंडेलवाल संघ का भी पिता तुल्य ऐसा अध्यक्ष चला गया जिन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ ना केवल खंडेलवाल परिवार को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि उसको एक वट वृक्ष का रूप देने का उनका एक बहुत बड़ा अरमान था। तो आज कहीं ना कहीं श्री खंडेलवाल संघ भी का जन जन हर व्यक्ति इस दुख की घड़ी में व्यथित है। तो मैं अनुरोध करूंगा श्री खंडेलवाल संघ के महामंत्री और श्री चक्रेश्वरी देवी तीर्थ प्रबंधक कमेटी के भूतपूर्व महामंत्री श्री योगेश जी संक्षिप्त शब्दों के अंदर अपने भाव प्रकट करें। मेरा उनसे गहरा नाता सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, और क्या क्या कहूं कि मैंने अपने पिता के बाद पिताजी के वो दोस्त और रिश्तेदारी तो जो थी वो थी। उन्होंने मुझे एक बार कहा कि बेटा आपके पिता मेरे साथी जरूर हैं, लेकिन वो मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने हम एक दूसरे से पूरे दिल की बात साझी करते हैं। मैं तेरे से भी अपेक्षा करूंगा कि तू भी मेरे साथ ऐसा ही रखना। और मैं उनके पास जब भी किसी भी विषय पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर किसी भी समय बैठा, मैं भूल नहीं पा रहा हूं इतने दिन, इतना समय ऐसा गुजारा उनके साथ कि उम्र का तो कहीं कोई लिहाज कहीं भी कोई वास्ता नहीं,
एक अंकल के रूप में, खंडेलवाल संघ के प्रधान के रूप में, एक दोस्त के रूप में कहूं तो ज्यादा बढ़िया होगा कि हर बात साझी कर लेनी। ऐसा लगना कि हम किसी से बात कर रहे हैं बस किसी अपने किसी दोस्त के रूप में। मैं तो वैसे भी जीवन में कोई भी रिश्ता किसी से रखा तो एक दोस्त ही का रखा, मुझे बहुत आनंद आता है और इनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एक ऐसी याददाश्त ऐसी उनके अंदर कड़ी थी कि 70 वर्षों से अटका हुआ खंडेलवाल संघ का कार्य, जो कि उत्तरी भारत कहीं से अलग अलग लोग लुधियाना में आए हुए हर शहरों से, और पूरे खंडेलवाल संघ को जब उन्हें जोड़ने की जब बात आई चली तो मेरा अधिकतर समय अपने साथियों सहित जब भी कहीं मिल जाना उनसे बात चर्चा करनी साझा करनी और फिर आगे निकलना। और जो डायरेक्टरी के रूप में उत्तरी भारत का पूरा एक डायरेक्टरी छपी उसको पूरा सुलझाने में उनकी एक याददाश्त ऐसी थी कि पीढ़ियों तक उनको सभी के रिश्ते नाते मालूम थे किसको कैसे जोड़ना है। तो द खंडेलवाल ग्रुप जो कि उत्तरी भारत में अपनी छाप छोड़ रहा है और खंडेलवाल श्री जैन सितंबर खंडेलवाल संघ लुधियाना उनके योगदान को कैसे भुला पाएगा। मेरे साथी योगेश जैन जी के शेयर त्रिभुवन जैन जी और हमारे कार्यकारी प्रधान श्री अरिहंत जैन जी, वरिंदर जी, हमारे वरिंदर जैन जी जो अध्यक्ष हैं, हमारे मामा श्री जी, मैं किस किस का कहूँ, एक ऐसा सब कैसे उनको भूल पाएंगे। हर बात पर उनसे सलाह मशवरा लेना, मेरा तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा कि जैसे पास ही बैठे। हमारा एक कुछ होता था कोई बात उन्होंने फोन कर देना कि जो टेंगू आया रपराना टेंगू ना टेंगू कहकर बुलाना कि टेंगू आ जाए, कोई बात करनी उन्होंने डिस्कशन करनी, उनको भी अपनापन महसूस होता था और मेरे को भी जाने में अपनापन महसूस होता था। ये बहुत कुछ समाज ने आज खंडेलवाल संघ के प्रधान के तौर पे उनको खोया, हमने अपना साथी खोया, एक दोस्त खोया, एक अपने मास्टर जी के रूप में अपना रिश्ता। लेकिन मैं बेटे की इंतजार देना चाहूंगा, वो भी गांव में व्यस्त रहता था लेकिन जब भी मैंने कोई उनसे बात करनी वो भी कहना मेरी तरफ से तो जो मर्जी कर टेंगू मैं समझ ले तू मैं तू है तो एक ही बात कर बस तुम मेरे से अपने आप कर दिया अगर जो करना है समाज की तरफ से। तो ऐसा सहयोग साथियों का मैं कैसे भूलूं, मैं वो वक्त भी नहीं भूलता। माता श्री चक्रेशी देवी जयंती सरहन जो कि हमारी आस्था और श्रद्धा का खंडेलवाल समाज का मुख्य केंद्र है, वहां पर महामंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला, वहां पर सेवा करने का काफी समय मुझे मौका मिला और वहां पर अगर मैं अपनी सेवाएं दे पाया जहां भी उलझता था तो मैंने आकर मास्टर जी पदम जी से बात करनी, उन्होंने सभी अपने साथियों को यहां से तैयार करना, हमें कहीं भी उनकी इतनी मुझे वहां पर सेवा करने में श्रांत में कभी भी उलझना मैंने तो मेरे साथियों ने जो मेरा सहयोग दिया उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्योंकि यहां से जाकर तीरथ में सेवाएं देना और यहां पर सभी साथियों ने मेरे साथ जुड़कर मेरा साथ दिया, आज भावुक हो रहा हूं कि एक से साथी होते समाज का कार्य कोई इतना आसान नहीं होता, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, जो टीम स्पिरिट के रूप में जो कार्य होता है वो टीम स्पिरिट के रूप में ही होता है। आज फिर साथी सब उदास है, मैं माता श्री चक्रेशी देवी के चरणों में दिव्य आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं। श्री जैन स्तंभ खंडेलवाल संघ के सभी सदस्यों की ओर से सुनना सिर्फ अर्पित करता हूं और माँ चक्रेशी देवी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना और परिवार इष्ट मित्रों को जय दुख सहने की शक्ति। आज हम सभी श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीनिवास जैन जो अपनी 78 वर्ष का आयुष्य क्रम पूर्ण कर कल सुबह
इस नश्वर शरीर को छोड़कर अगले भाव में अग्रसर हो गए। उनको अपनी श्रद्धा समान भेंट करने तथा उनके गुणावाद के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि हम सब को मालूम है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वह कोई जीव जंतु पशु पक्षी या वनस्पति गाय क्यों ना हो, इन सब को एक ना एक दिन अवश्य ही इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चले जाना है। होनी को कोई टाल नहीं सकता। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि उनकी यादें हमेशा के लिए इसे सब भाई बन जाती है। उन्हीं आत्माओं में से हमारे श्री जयंत सितंबर निर्वल साहब के प्रधान श्री पदम जैन जी। मेरा परिचय श्री पदम जी के साथ 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब लुधियाना के अंदर श्री जयंत सितंबर निर्वल साहब की स्थापना सन 2012 में हुई थी। इस संघ को बनाने में श्री पदम जी का अहम योगदान रहा। मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह बहुत दूर की सोच रखने वाले, अपने काम के प्रति ईमानदार, सभी को साथ लेकर चलने वाले नेक दिल एवं सर्वस्वभावी व्यक्ति थे। उनकी एक गुरु धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था थी। माता दादी जो कि माता श्री चतुर्वेदी देवी जी के वह उपासक थे, उन्होंने सुनाम के अंदर माता दादी चौकी के भवन पर अनेकों निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की तथा प्रधान पद पर रहते हुए अनेक यात्राएं संघ के सदस्यों को भी करवाई। अभी हम लोग अगली यात्रा का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि अचानक सितंबर माह के कीर्तन उपरांत उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वह नहीं गए। उसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कल जब मुझे हमारे संघ के कोषाध्यक्ष श्री जुगेश जैन बबला जी का टेलीफोन आया कि प्रधान जी नहीं रहे, तो मेरे पैरों कदे से जमीन निकल गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उनके जो अचानक चले जाने से हम सब संघ के लिए, समाज एवं परिवार के लिए एक कभी ना पूर्ण होने वाली क्षति है। मैं अपनी एवं श्री जयंत देवल सितंबर खंडेलवल संघ की पूर्ण कार्यकारिणी और संघ के सभी सदस्यों की तरफ से अरियंत प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि श्री पदम कुमार जैन की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति तथा परिवार को इस दुख को सहन करने का बल प्राप्त। जन्म जीवन और मृत्यु के बीच में हम सब लोग चल रहे हैं और एक मृत्यु का एक ऐसा संसार है जिसको भी छुटलाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि यदस्य हि द्रोह मृत्यु, जिसका भी जन्म होता है उसके मृत्यु निश्चित है। और इसी क्रम में कोई ना कोई हमारा स्वजन, हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि उसका स्वजन जिसके साथ उसका जीवन साथी के रूप में, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, कोई भी रूप हो, उससे बिछड़ जाए। परंतु ये एक ऐसा चक्र है जिसको मानना ही पड़ता है और जिस दिए में जितना भी तेल होता है उतना ही चलता है। परंतु इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी समय होता है वो उसका अपना, और जो भी वो समय है, जितना भी उसका अपना पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, और उसका अपना देश के लिए, धर्म के लिए जो भी कर्तव्य है वो पूर्ण करता जाता है, और यही जीवन का सार है। आदरणीय श्री पदम कुमार जी जैन, जिनके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, कल जिनका स्वर्गवास हुआ, मन से जो भी हमारे अधिकारी हैं या हमारे जो भी वक्ता है जो उनसे संबंधित हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में उनका चित्रण कर रहे थे और मैं जो समझता हूँ संक्षिप्त शब्दों में उनके
उनके लिए अपने पाप रख रहे थे, क्योंकि मैं भी उनसे काफ़ी बार मिल चुका था। मेरे दामाद जो है कि वो मामा जी लगते, तो इस संबंध में कुछ 5 साल पर मिलना भी हुआ है। और परिवार जनों से जो जितने भी उससे संबंधित हैं उनका गुणगान भी सुन चुका। तो जब भी मिलना हुआ तो ऐसे लगता था सरलता सादगी के साथ एक दिव्य उनके ऊपर चेहरे के ऊपर नूर था। हम लुधियाना में जितने भी लोग रहते हैं भाई बहन रहते हैं, इनमें 90% तो हम लोग जो देखते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, लुधियाना के तो 10% ही गिने जाते हैं। परंतु लुधियाना में आकर इसको अपना कार्य क्षेत्र और धर्म क्षेत्र बनाकर और फिर आगे किसी संस्था का बनाना और चलाना और उसके बाद उसके प्रधान पर वही जा सकता है जिसका धर्म के प्रति समर्पण हो और अपने संघ के प्रति, अपने खंडेल वाल परिवार के प्रति, चाहे है चाहे जो जिसके लिए भी है उसके लिए उसकी समर्पण के बाद मैंने अब परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब समाज के लिए कुछ करना है। तो वही लोग आगे बढ़ते हैं, उस पद पर आते हैं। तो आदरणीय कदम जी ने उसका प्रधानगी का भी जो लाभ लिया, सेवाएं दी है, ये संगठन बनाया है, उसके लिए भी ये संघ उनका जीत रहेगा। और उनका धार्मिक तो सुंदर, बहुत ही बढ़िया सुंदर जीवन था और सरलता ही जीवन की पूंजी है। सरलता जीवन में आती जाएगी तो धार्मिकता अपने आप आती जाती है। तो धार्मिकता का जो फर्स्ट क्षेत्र रहता है वो सरलता रहती है, विनम्रता रहती है, उससे चलते हुए सब कुछ जीवन में आ जाता है। साक्षात धर्म की और सरलता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री पटेल वाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। जितने बोले उनका बोलने के शब्दों में जितनी सौरभ था, सरलता थी, उनसे भी बढ़कर वो अपने आप में थे। तो उनकी सभी जो भी उनके आत्मीय गुण थे उनको हम नमन करते हैं। और यही बच्चों के लिए परिवारजन को ही नहीं जाता कि पिछड़े, परंतु उनको लिए शोक मत बनाइए, परंतु धर्म की शरण में आइए। धर्म मंगल उठी, धर्म ही कृष्ण मंगल है। आप लोग सब धर्म में ही शरण में रहने वाले लोग हैं, वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो जीवन तो नहीं रहता, परंतु जो सरल और सुंदर स्मृतियाँ रहती हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। उनकी मधुर स्मृतियाँ आप सबका, परिवारजनों का, समाज का मार्गदर्शन करेंगी और उसी में चलते हुए आप आगे बढ़ें। और बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वन सासे वीर नानी जथा विहाय नवानी ग्रह नाती नरो प्राणी तथेव दिहानी विहाय वीर नानी कन्यानी संयाती नवानी धीमे। जिस तरह वस्त्रों के जीर्ण शीर्ण होने पर हम उसे उतार फेंकते हैं, ये शरीर भी, शरीर जो है आत्मा, इस शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर उतार देती है, फेंक देती है, अपने कर्मानुसार आगे बढ़ जाती है। तो आए आज हम सब उनको नमन करें, उस दिव्य विभूति को नमन करें। तो उनसे जो मेरी भी शिक्षाएँ हैं सुंदर जाते हैं, उनके चलते हुए हम सब शास्त्र प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो इस परिवार को जो दुख सहन करने की शक्ति मिले। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने संत श्री सतपाल जी के परिवार, सभी परिवारों की तरफ से और अपने समय सज्जन सभा की तरफ से भी दिवंगत आत्मा के प्रति मैं शत शत नमन करता हूँ। और शासन प्रभु से सभी की तरफ से प्रार्थना है कि उनको अपने चरण स्थान दे। कहने को सिर्फ प्रधान थे, उनके प्रधान उनके उनके ही भाई श्री आर एस जैन शंकर वाले मैडम वाले थे, वो बहुत काम आते थे, मेन काम नहीं संभाल रहे थे। सबसे बड़ी बात, उस भवन के ऊपर एक सुंदर धर्मशाला का निर्माण किया जिसके ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च आया होगा। इन्हीं की हिम्मत थी, इन्हीं की लगन थी, वो बार बार सुना पाकर निर्माण कार्य में सहयोग देते रहे। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, सुना मंदिर में जो शीशे का काम हुआ वो कुछ परिवारों के सहयोग से हुआ, उसको बार बार देखने का उन्होंने किया। आज पंजाब में कोई भी जैन मंदिर में शीशे का काम सुनाम से बढ़कर नहीं है, कम तो होने को अलग बात है। मैं अपनी ओर से अपने प्रधान श्री आर एस जैन जो शंकर वाले ही हैं, इनके परिवार के ही मेंबर हैं, नोएडा में रहते हैं, उनकी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ और माता जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि इस परिवार को यह दुख समझने की, सहने की शक्ति दे। धन्यवाद। विभिन्न संस्थाओं ने शोक संदेश भेजे हैं। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर स्वयं उपस्थित श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की तरफ से श्री नरेंद्र भाई ने संवेदना प्रकट कर दी है। इसके बाद श्री आत्मानंद जैन महासमिति के मंत्री होने के नाते हमारे चेयरमैन बाबू श्री राजेंद्र जी कसूर वाले
प्रधान श्री मुकेश जैन जैना भी, कार्यकारी प्रधान श्री नरेंद्र जी नेंदी, महामंत्री श्री संजीव जैन धोनी और कोषाध्यक्ष श्री अशोक जैन बरण एवं समस्त कार्यकारी पदाधिकारियों की ओर से दिवंगत आत्मा को चरणों में भावांजलि नेत्रांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि उनका जीव उनकी आत्मा जिस भी भारत क्षेत्र के जिस भी क्षेत्र में गई हो वहाँ पर सुखी रहे, समृद्ध रहे, निरोगी रहे और वहीं से अपना स्नेहिल मंगल आशीर्वाद परिवार को भेजती रहे और मानव भव के परम लक्ष्य मोक्ष पथ की ओर अग्रसर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री आत्मानंद जैन महासमिति की ओर से हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन युवक महासंघ के संगठन मंत्री होने के नाते श्री हरेश केशा पुणे अध्यक्ष पुणे से और हमारे विकास वोरा जालौन राजस्थान से समस्त कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ श्री विजय वल्लभ जैन युवक महासंघ उत्तरी भारत के प्रधान श्री प्रदीप जैन पप्पी सुमारा से और श्री राजेश जैन राजा महामंत्री की ओर से समस्त कार्यकारिणी की ओर से, साथ ही साथ श्री बाबा गजा जैन यंग सोसाइटी के प्रधान होने के नाते क्योंकि हमारी सोसाइटी के कोषाध्यक्ष भाई आशीष जी आशु जी इस संस्था के हमारे कोषाध्यक्ष हैं और नवल जी उनके जीजा जी, तो आज कहीं ना कहीं उस परिवार को भी बहुत बहुत हार्दिक घात लगा है क्योंकि इस परिवार की श्री लाला देवराज कीमतीराज परिवार की सुपुत्री श्रीमती अंजू जी थी जिन्होंने उस माँ के श्रीमती मंजुला जी के और श्री पदम जी के परिवार के जो अंतर संस्कार पहले से ही पंडित बल्कि थे उनको अपने परिवार से लाकर लाला देवराज कीमतीराज परिवार से लाकर आगे उसको बढ़ाया क्योंकि धर्म का धर्म से संबंध होता है। तो ऐसी अंजू हमी अंजू बहन को भी आज बहुत दुख है कि उनके पिता तुल्य ससुर आज इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए हैं। दोनों बेटियां जिनका मैंने पहले भी नाम लिया काव्या और नव्या शायद दादू के प्रेम से वंचित हो गई हैं लेकिन अब बेटा दोनों बच्चे अपनी दादी माँ का उससे उतना ही ज्यादा आगे ध्यान रखना ताकि आने वाले जीवन के अंदर ये जो प्रेम दादा और दादी का मिलता है शायद फिर नहीं मिल पाता। तो आपने अपने दादा के सब सपनों को पूरा करना है, उनके दिए हुए मार्ग पर चलते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। इसके साथ साथ श्री जैन श्वेतांबर खंडेलवा संघ लुधियाना की ओर से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। माता श्री चक्रेश्वरी देवी जैन पीठ प्रबंधक कमेटी की ओर से, श्री ज्ञान सागर मंदिर सभा लुधियाना की ओर से, यूएसबीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से, माँ वैष्णो देवी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से, न्यू जैन फाइव स्टार क्लब की ओर से, वीर नगर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, बाल गोपाल गौशाला की ओर से और इसके साथ साथ समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं एमजीएस हॉस्पिटल श्री आत्मानंद जैन एजुकेशन बोर्ड जितनी भी समाज की संस्थाएं हैं उन सबकी ओर से दिवंगत आत्मा के चरणों में हार्दिक हार्दिक संवेदना भावांजलि नेत्रांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए परिवार को ये दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दें। आप धर्म में रहें जिस तरह से आपके पिता ने और आपकी माता मंजुला जी ने आपको धर्म के संस्कार दिए हैं, आंसू ना बहाकर केवल और केवल धर्म मार्ग में अग्रणी रहें, अग्रसर रहें और अपने माता पिता के स्वप्नों को पूरा करें। परिवार ने पहले भी समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आज भी परिवार ने बहुत बड़ी राशि समाज को अपने पिताजी की याद के तुल्य समर्पित की है। तो उनकी घोषणा करने से पहले मैं रस्म पकड़ने के लिए अनुरोध करूँगा श्री खंडेलवा संघ के हमारे बाबूजी प्रधान श्री हरिहंत जी, श्री वीरेंद्र जी और श्री रविंद्र जी से आगे गुजारिश करूँगा कि आगे आकर वो रस्म पकड़ने की रस्म को अदा करें। साथ ही मैं हमारे श्री आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान बाबू श्री नरेंद्र जी बाबू को भी
गुजारिश करूंगा कि वो रस्म पगड़ी के लिए आगे आए। श्री अरिहंत जी कार्यकारी प्रधान श्री खंडेलवाल संघ। इस दुख की घड़ी के अंदर कुछ धनराशि निकाली है, मैं उसकी एक नखरा जो फोटो के लिए उन्होंने दिया है, श्री चक्रेश्वरी देवी जैन तीर्थ स्थान के लिए एक फोटो, श्री आदिनाथ जैन तीर्थ कागरा जी के लिए एक फोटो, श्री हस्तिनापुर जैन तीर्थ के लिए एक फोटो, माता दादी चौकी जी सुना विज्ञान डायग्नोस्टिक सेंटर और एक जो विकलांग बच्चों का स्कूल जिससे परिवार और हमारे भाई आशीष जी हमारी संस्था जुड़ी हुई है, ऐसी संस्था के लिए भी इन्होंने धनराशि निकाली है। एक जो विकलांग बच्चों का स्कूल, कुश आश्रम लुधियाना, प्राचीन गौशाला लुधियाना, श्री जगवल्लभ पाशनाथ मंदिर जी इंदर नगर, श्री आदिनाथ जैन मंदिर एवं गुरुकुल हुसैनपुरा, श्री जैन मंदिर जी शंकर, श्री शंकेश्वर पाशनाथ जैन मंदिर जी हुसैनपुरा, श्री हनुमानचित पाशनाथ मंदिर जी लुनावाड़ा रोड, श्री कल्याण पाशनाथ जैन मंदिर जी बिचकू नगर, श्री आदिनाथ जैन मंदिर जी सिविल लाइन, श्री सुपाशनाथ जैन मंदिर जी चोराका, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर जी सुंदर नगर, श्री कणिकुंड पाशनाथ जैन मंदिर जी, श्री जैन श्वेतांबर कंडेल पासा लुधियाना, श्री भाई हजारा मंदिर जी शंकर। और इसके साथ साथ लाला देवराज कीर्तिलाल जैन परिवार जिनकी सुपुत्री हमारे नवल जी की अर्धांगिनी है, इस परिवार में एमजीएस हॉस्पिटल में 5 नेत्रहीनों जो नेत्रों के ऑपरेशन होते हैं फ्री ऑपरेशन शुल्क ऑपरेशन करवाने का लाभ लिया है। हम परिवार की ओर से आए हुए सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने इस दुख की घड़ी के अंदर जो आकर हमको सांत्वना बताई है, हम आपके हार्दिक हार्दिक धन्यवादी हैं। परिवार सदा समाज में अग्रणी रहा है और अपने परिवार का नाम, अपने कुल का नाम रोशन करता रहा है, तो आगे भी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि आपको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, आप धर्ममय होकर इस दुख को भूलते हुए अपने पिताजी के यादों को, अपने स्कूल के सपनों को आगे पूरा करें। यही भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। दो नाम अवश्य रह गए, सुंदर नगर भाईचारा क्लब से श्री रमेश जैन बिटा जी और हमारे श्री आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष श्री भारत भूषण जी बाकी की ओर से भी संदेश प्राप्त हुए हैं, उनका भी परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इष्ट मित्र और जो भी पारिवारिक सदस्य बाहर से आए हुए हैं उनका खाने का जो भोजन का जो सब सिस्टम है वो पीछे लाला रोशन अखबार के अंदर रखा गया है। अब शांति पाठ होगा। शांतम शांताश्रम नमस्कृत स्तोतु शांति निमित्तम मंत्र पदे शांताये स्तोमि ओम इति निश्चित वचसे नमो नमो भगवते हृदय पूजाम शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने नमिनाम सकलातिशेष कुमार संपत्ति समर्पिताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वा परसु समूह स्वामी संपूजिताय निजिताय
भुवन जल प्राणो जल तमाय सतम नमस्तस्मै सर्व दुर्योग नाशन कराय सर्वाशिव प्रश्मनाय दुष्ट ग्रह भूत पिशाच शाकिनी नाम प्रमथनाय यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग दोषा विजया कुरुते जनहित मिति च अनुदान मतम शांति भवतुं नमस्ते भगवते विजय सुजय प्राप्तये रचिते अपराजिते जगत्यां जय विधि जय वहे भवति सर्वस्यापि च संगस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधु नाम च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जिया भव्यानां कृते सिद्धे निवृत्ति निर्वाण जीवनी सत्वानां अभय प्रदान निर्दे नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावहे नित्य मुद्यते देवी सम्यक् दृष्टिनां निधि गतिमति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन देवतानां शांति नदानां च जगति जनतानां श्री संपत कीर्ति यशोवर्धनी जय देवी विजयस्वर सलीला नल विशेषधर दुष्ट ग्रह दुराज रोग रत भयता राक्षस निगुगन मारी चौरेति श्वाता दिव्य अथ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु कुरु शांति च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवते गुणवते शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति ह कुरु कुरु जनना ओम विधि नमो नमो हराम ह्रीं क्लीं राय यक्ष ह्रीं फट फट स्वाहा एवं यदामाक्ष पुरस्सर सरस्वताज्या देवी कुरुते शांति नमतां नमो नमः शांताय तस्मै इति पूर्व सुनिदर्शित मंत्र पद विधर्मित स्तव शांते सलिलादि भय विनाशी शांति आदि कृष्ण भक्ति मता यश्चैन पट्टी सदा श्रीनोदि भावयति वा यथा योगम स हि शांति पदम याया सुनि श्रीमान देवश्च उपसर्गाक्षिणम याति छिद्यन्ते विघ्न वल्या मना प्रसन्नता मेति पूज्य माने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानां जयनम जयति शासनम बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान कक्षाधि पति श्रीमद विजय नित्यानंद सुरी जी महाराज साहिब की सभी गुरुओं की।